दोस्तों आज हम बिहार के एक सरकारी स्कूल में आए हैं, जिस स्कूल को आप देख सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि ये ज़रूर एक सरकारी स्कूल ही है, जहाँ पर टीचर्स का कोई पता नहीं है और बच्चे जहाँ पर क्लास के अंदर कम और क्लास के बाहर ज़्यादा दिखाई देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रक्षिता मिश्रा, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। आज हम बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गाँव बलिया के एक स्कूल में आए, जिसका नाम है मध्य उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय बलिया बिरौल। तो आज हम यहाँ के टीचर्स से बात करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई होती है और किस तरह से टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप स्कूल के हेडमास्टर हैं, प्रभारी प्रधान, और आप पान खा रहे हैं। एक मिनट सर, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं बद्रे आलम, प्रभारी प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालय बलिया बिरौल। कहाँ से हैं आप? रहना मेरा गोरा बोरा में, मेरा घर है कोठरा। स्कूल का टाइमिंग क्या है? 9 से 4। 9 से 4। यहाँ के टीचर्स कितने बजे तक आते हैं? 9 सवा 9। तो 9 से 4 है तो टीचर्स को पहले आना चाहिए ना जी। तो 9 बजे तक आ जाते हैं, 9 सवा 9 तक लेटेस्ट, जो एक दो अगर ऐसा लेट होता है तो 9:15 तक आ जाते हैं। अच्छा, मतलब टीचर्स यहाँ के लेट होते हैं? नहीं, नहीं के बराबर। और स्टूडेंट्स कितने बजे तक आते हैं? वो 9:30, 9:30 तक आ जाते हैं। तो आप फिर भी अलाउड करते हैं बच्चों को? जी, इसलिए कि 9:50 से 10 बजे तक प्रार्थना का टाइम है, तो उस टाइम तक बच्चे आ जाते हैं। देहात परिवेश के हैं तो बच्चे थोड़ा देर होने में, तैयार होने में उनको लेट लगता है। तो इन बच्चों को डिसिप्लिन कौन सिखाएगा? डिसिप्लिन तो मैडम हम ही सिखाएंगे। कब सिखाएंगे? आप कहते हैं कि 9 बजे का स्कूल है, बच्चे 9:15 तक आते हैं। आना है, उसके साफ सफाई को देखना है, बच्चों को प्रेयर के लिए 9:50 में उसको शामिल होना है, तो हार्डली बच्चे आ जाते हैं उस टाइम तक। तो आपने कहा कि अभी प्रेयर हुआ है? नहीं, प्रेयर हो गया 10 बजे जी। उसके बाद आज भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पे उनको, बच्चों को कुछ हमारे टीचरों ने उनकी जानकारी दिया है, उनके जीवनी पर उनको बताया है कि कब पैदा हुए, क्या हुआ, कब उनका ये हुआ, उस पर हमारे मनोज सर और उदय सर उनको बच्चों को बताया। तो 10-15 मिनट 10:30 बजे तक उनको ये सब बताया है, तब उसके बाद बच्चे क्लास में जा रहे। हम टीचर आए हैं, हम टीचरों ने आपस में बात किया है कि टाइम को मेंटेन करना है और टाइमली आना है, बच्चों को किस तरह शिक्षा दीक्षा अच्छी से अच्छी दी जा सके, उसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। उसके बाद तो ये सब जो विचार है, जो मीटिंग है, वो तो स्कूल से पहले या स्कूल के बाद होना चाहिए ना जी। तो आज मैडम इसलिए कि उसमें जो टाइम लग गया वो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जीवनी को बताने में, इसलिए थोड़ा सा लेट लगा। लेकिन आपने कहा कि 10:30 बजे तक ये सब चूज ख़त्म हो चुका था, अभी 11 बज रहे हैं जी। तो अभी तो सारे टीचर क्लास में हैं। टीचर्स तो अभी गए, हम तो 10:45 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो उस वक्त जा रहे थे, पूरा स्कूल में बच्चे भरे हुए थे, वीडियो में आए हैं। हाँ जी जी, बच्चे आ गए थे तो बच्चा क्लास में जाने में। और एक चीज़ हमने और देखा है कि स्कूल से बच्चे बाहर जा रहे हैं पानी के लिए, तो ये सिक्योरिटी बच्चों की किसके ऊपर आएगी? देखिए मैडम, यहाँ स्कूल में चापाकल है, कई चापाकल है, लेकिन 2 चापाकल चालू हालत में है। लेकिन बच्चों में एक अंदर में ये बात है कि वो दुर्गा मंदिर में जो चापाकल है उसका पानी अच्छा है, जबकि हम खुद अपने स्कूल का चापाकल का पानी पी रहे हैं, वो पानी ठीक है, बेहतर है। आयरन की मात्रा थोड़ी सी है उसमें ज़्यादा, लेकिन वहाँ भी वही हाल है। लेकिन बच्चों को एक अजीब तरह की बात है, बहुत प्रयास करते हैं कि आप यहीं स्कूल का पानी, जबकि मंदिर वालों को भी इस बात से प्रॉब्लम कि हमारे मंदिर में बच्चे आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, गंदगी करते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं, मेरे स्कूल में चापाकल है, आप यहाँ चापाकल में, इस चापाकल में पानी पियो, तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, चापाकल ठीक है, बट स्कूल में अभी तक नल क्यों नहीं लगा है? नल तो, नल हमारा, हमको अपना मोटर है, हमको उसी चापाकल का पानी सप्लाई है, नल जल का हमारे यहाँ ये नहीं आया है हमारे स्कूल में। ये बाहर तक इसका पॉइंट आया, जबकि जो थे इसके मेंबर उनको हमने कहा कि मेरे स्कूल में भी इसका पॉइंट दीजिए, बारह कहा,
ये अफजला पंचायत में ये स्कूल पढ़ता है, वार्ड नंबर 2 में। हमने उनसे कहा कि मेरे स्कूल में भी 2-3 पॉइंट दे दीजिए नल का, जो साफ पानी रहेगा तो बच्चा उसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। गांव के घर घर में नल शुरू हो गया है, घर घर में नल है, तो स्कूल को तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, सबसे पहला प्रायोरिटी देना चाहिए, तो स्कूल अभी भी पीछे क्यों है इन सब चीज़ों में? तो वो तो बताया कि वो वार्ड मेंबर जो इससे वार्ड में, जिस वार्ड में मेरा स्कूल पड़ता है, उनसे हमने कहा कि आप मेरे स्कूल में दीजिए, वो यहाँ तक खोद के लाया पीछे तक। स्कूल का फंड किसके पास आता है? स्कूल के फंड से नल जल का नहीं है कोई व्यवस्था। तो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए फंड्स आता है? के लिए आता है जी। तो अभी 2019 के बाद से अभी तक कोई फंड डेवलपमेंट का नहीं आया है, और अभी नए सिस्टम के हिसाब से जो भी पुराना खाता था सब सीज कर फ्रीज कर दिया है, और नया फ्रेश खाता अभी सरकार खुलवाने जा रही है, खुलवाई है, जैसे MDM का हो, जैसे विद्यालय विकास का फंड हो, जैसे हाई स्कूल का हो, जो भी खाता है सब पुराने खाता को फ्रीज कर दिया, उसको क्लोज कर दिया है। अभी कोई भी डेवलपमेंट का पैसा विद्यालय में नहीं है, न आया है। चलिए, 2019 के बाद से फंड्स नहीं आया है, कोरोना काल में 2019-20, हाँ उसके बाद से नहीं आया है। उससे पहले आता था जी, उससे पहले आता था। उस बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें? क्योंकि जो स्कूल मैंने देखा है, मैं भी कुछ दिन इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो आज भी स्कूल वहीं पर है जहाँ पर उस टाइम में था, डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? डेवलपमेंट इसमें जो सीमित संसाधन है उसमें डेवलपमेंट जो बन पाता है वो किया जाता है, पैसे उतने मिलते नहीं। जैसे स्कूल में पैसा आया नहीं, उससे पहले सरकार का आदेश हो गया कि आपको माइक खरीदना है, पैसा आया नहीं, उससे पहले आपको हो गया कि आपको हाई स्कूल के लिए स्मार्ट क्लास के लिए वो पैसा लगाना है, पैसा आने से पहले खर्च का रास्ता बता दिया जाता है। तो वो सब पैसा जो एक मरतबा हम जिस समय आए हैं तो हमको एक मरतबा फंड का पैसा, डेवलपमेंट का पैसा मिला, तो उसमें हमने ये माइक खरीदा, लाउड स्पीकर खरीदा, उसके बाद उसमें पर्दा किया, उस रूम का मैट खरीदा, उस रूम का फर्श इतना ख़राब था तो उसकी ढलाई किया, उसके बाद ये रेलिंग का पूरा, ये रेलिंग का ये ऊपर का टूट गया था तो उसको हमने जोड़वाया, ये दीवार टूट गया। गांव के लोग आते हैं शाम में जब हम स्कूल बंद करके जाते हैं तो लोग इस स्कूल को अपना घर बना लेते हैं, इसमें आवास बदमाश तबीयत के लोग सब इसमें आ जाते हैं, दीवार तोड़ देते हैं, हमारा तार का जाली तोड़ दिया है। तो ये सब में हमको जो सीमित संसाधन है उससे हम उसके डेवलपमेंट में अपना काम करते रहते हैं। फंड्स कितना मिलता है? फंड इससे पहले 50,000 मिला है, और ऐसे सुनने में आया है कि 75,000 मिलेगा, ये बच्चों के संख्या पर पैसा मिलता है। तो आज से 4-5 साल पहले सरकार ने कहा था कि बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बनना चाहिए जी, तो कुछ हुआ? जी हुआ, स्मार्ट क्लास बना है जी। मैंने देखा कोई भी बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे। यूनिफॉर्म के लिए मैडम हर रोज प्रेम में बच्चों को कहते हैं कि आप जो ड्रेस खरीद करके पहनती हो उसी से कम पैसा में आपको स्कूल ड्रेस हो जाएगा, कहते कहते आजिज हैं, लेकिन बच्चा या बच्चा के गार्जियन इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। स्कूल यूनिफॉर्म मिला है बच्चों को? नहीं, पोशाक का पैसा मिला है। तो जब तक बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं पहुंचेगा तब तक बच्चे कैसे पहनेंगे उसे? यूनिफॉर्म नहीं मिलता है मैडम, पैसा दिया जाता है। पैसा दे दिया आपने सारे बच्चों को? बच्चों को ये डायरेक्ट बेनिफिट उसको उसके खाते में देता है, वो हमारे माध्यम से नहीं जाता है। हम उन बच्चों का डाटा तैयार करके सरकार के यहाँ डालते हैं जो ऑनलाइन होता है, और सरकार उन बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट देती है। कितने पैसे मिल रहे हैं यूनिफॉर्म एंड ऑल के लिए? वो तो हर क्लास का अलग अलग है, पहला क्लास का अलग है, दूसरा का अलग है, तीसरा का अलग है, सबका अलग अलग है। मतलब सारे क्लास का यूनिफॉर्म अलग है कि साइज एंड ऑल ये सब अलग होगा ना? यूनिफॉर्म तो सेम होगा ना? हाँ यूनिफॉर्म सेम है, पैसा मिलता है। तो आप एक जगह पे कह रहे हैं कि स्कूल में पानी अच्छा आ रहा है? जी पानी तो हम लोग पी रहे हैं, स्कूल का पानी। तो आप बच्चों को बाहर क्यों जाने दे रहे हैं? बच्चे आपके कंटिन्यूसली बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है? गेट हम लगाते हैं उसके लिए, गेट उसका बंद करते हैं, बच्चे
बहुत कम जाते हैं बाहर, लेकिन जो बच्चा ही तो है, बहुत सारा बहाना बना करके किसी को पेट में दर्द है, कोई तबीयत खराब है, कोई पानी यहाँ पीने के लिए तैयार जो नहीं है, वो बहुत इस तरह के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो हमको भी लगता है कि भाई पानी पीने के लिए बच्चा जब इस तरह की बात कर रहा है तो उसको दो चार बच्चे को जाने देते हैं। अभी अंदर बाहर हो रहा है, अगर सपोज स्कूल में कोई बच्चा आया उसके साथ बाहर कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, लेकिन बच्चा बाहर जाने का मतलब है, ये सामने में दुर्गा मंदिर है, यहाँ के अलावा और कहीं नहीं जाता, वो भी पानी बोतल गिलास ले के जाता है तो वो आ जाता है, हमारे कंसर्न में रहता है। ऐसा आपको लग रहा है ना कि बच्चा यहीं पर जाता है, अगर सपोज ऐसा कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मेरी होगी। हाँ, अभी हमने देखा कि आप पान खा रहे थे, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं मैडम, हम पान अगर खाया है तो वो गलती है, नहीं खाना चाहिए। अभी क्योंकि कैमरा में आ गया इसलिए गलती है कि आप पहले भी समझते हैं कि ये गलत है जो मैं कर रहा हूँ? गलत है। तो आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? जी, उससे बुरा असर होगा उसके ऊपर। आप ये जानते हुए भी कर रहे हैं? जी, अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को देखा है मैंने, गुटखा सुपारी खाते रहते हैं, तो ये सब की सीख कहाँ से मिलते हैं? मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे लोगों को, बट स्कूल तो जाते ही होंगे ना, वो लोग कहीं ना कहीं स्कूल तो जाते ही होंगे। कैंपस में आने के बाद गुटखा सुपारी नहीं खाते हैं, अब बाहर में वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन स्कूल कैंपस में आने के बाद वो गुटखा पान मसाला का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप मान रहे हैं कि आप स्कूल टाइम में गुटखा सुपारी खा रहे हैं और बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं? स्कूल टाइम में हम नहीं खाते हैं, वो स्कूल टाइम में भी नहीं और बाहर में भी नहीं, ऐसे आ रहे थे, एक आदमी मिलने वाले थे जिन्होंने इस तरह का रास्ते में ये कर दिया, नहीं तो स्कूल आवर और स्कूल के बाद भी हम नहीं खाते। हम आए हैं 10:45, तो आप रास्ते में तो बिल्कुल नहीं होंगे? नहीं, पान जो दिया बाहर में उसके बारे में कह रहे हैं। तो आप मतलब एक घंटे से पान खा रहे हैं? इसलिए कि इतना उसमें बच्चों के बीच में उन बातों में इतना उसके प्रेम है, उसके इसमें लग गए कि ये मौका नहीं मिला, फेंकने का मौका नहीं मिला। आप सीरियस हैं, आपको पान फेंकने का मौका नहीं मिला? जी, बात है।